नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुकुत मीनाक्षी में। आटे का हलवा तो हर किसी को बहुत पसंद होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। आटे का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेंगे चीनी। तो मैंने यहाँ 1 कप चीनी ले ली है। अगर आपके पास कप नहीं हो तो आप घर का कोई सा भी बर्तन सेट कर लीजिए, कप या कटोरी, उस हिसाब से नाप करके आप बना सकते हो। तो मैंने यहाँ 1 कप चीनी ली है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप पानी। तो यहाँ पर हम चाशनी नहीं बनाएंगे, चीनी को हम गला लेंगे यानी पिघला लेंगे, हल्का सा गर्म कर लेंगे यानी जब तक कि चीनी अच्छे से घुल नहीं जाए, बस उतना ही। तो इसे अब रख देंगे हम गैस पे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सारा ही मेज़रमेंट एक ही बर्तन से होना चाहिए। जिस तरह से कि मैंने 1 कप से नाप करके चीनी ली है, बस उसी हिसाब से। तो आप कटोरी सेट कर लीजिए, उस हिसाब से सारा मेज़रमेंट कर लीजिए। आपका हलवा परफेक्ट बन करके तैयार होगा आटे का। तो देखिए यहाँ चीनी घुल गई है बढ़िया से, अच्छे से। तो इसे अब हम रख देंगे साइड से। अब यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब हम चलते हैं आटा भुनने की प्रोसेस पे। तो मैंने यहाँ रख दिया गैस पे कढ़ाई, हल्की सी गर्म भी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप आटा। आप चाहें तो 2 कप आटे से भी बना सकते हो। मैं यहाँ 1 कप आटे से बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने पहले घी नहीं डाला है, पहले ही हमें बिना घी के ही आटे को रोस्ट करना है। बढ़िया से 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इस तरह से भून लेंगे, जब तक कि हल्का सा कलर नहीं आ जाए। आप चाहें तो डायरेक्ट घी में भी इसे भून सकते हो आटे को। अगर आप आटे को इस तरह से पहले भून करके आटे का हलवा बनाते हैं तो ये बहुत और भी ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो देखिए 5 से 6 मिनट हो गए, आटे बढ़िया से भून गया और हल्का सा कलर भी चेंज हो गया। तो इसे अब मैं निकालूंगी एक प्लेट में या थाली में। तो वापस से उसी कढ़ाई को मैंने रख दिया गैस पर। तो मैंने यहाँ 1/2 कप घी लिया। मैंने यहाँ पूरा घी नहीं यूज़ कर रही हूँ, बाकी का घी बाद में यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। अब मैंने जैसे कि 1 कप आटा लिया है तो उस हिसाब से मुझे 1 कप घी लेना चाहिए, लेकिन मेरे यहाँ घी कम खाते हैं तो मैंने यहाँ 1/2 कप घी का उपयोग कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ घी खाते हैं और पसंद करते हैं तो आप 1 कप घी में ही आटे का हलवा बनाइए। 1 कप आटा और 1 कप घी ले लीजिए, उस तरह से बहुत ही बढ़िया हलवा बन करके तैयार होगा। तो देखिए ड्राई फ्रूट्स हल्के से रोस्ट हो गए, इन्हें हम निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने ड्राई फ्रूट्स में काजू बादामी लिए, आप चाहें तो किशमिश को भी इसमें डाल सकते हो। मैंने यहाँ किशमिश ऐड नहीं किया है। तो देखिए घी गर्म है तो यहाँ इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटे को डाल करके इस तरह से हिलाते रहें ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने। तो थोड़ा थोड़ा आटा डाल करके इस तरह से मिक्स कर लेंगे बढ़िया से घी में, और हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। तो मैं यहाँ पर 4 से 5 मिनट तक और बढ़िया से आटे को भून लूँगी, इससे और भी ज़्यादा टेस्टी हलवा बन करके तैयार होगा। आप जितना बढ़िया आटे को भून करके तैयार करेंगे उतना ही बढ़िया हलवा बन करके तैयार होगा। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कि गुरुद्वारे में मिलता है ना प्रसाद, कड़ा प्रसाद, बस बिल्कुल उसी तरह से बन करके आपका तैयार होगा हलवा। अब यहाँ पे देखिए आटा बढ़िया से भुन गया है। अब जो हमने चीनी को पिघला के रखा था उसे हम डाल देंगे इसमें, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा चीनी वाला पानी डाल करके बढ़िया से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे, और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बस आपको एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से ऐड करना है। एक बार आप ज़रूर बना करके देखिए, आटे का हलवा बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगा। और मैंने परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बताया है, घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब जो बचा हुआ चीनी वाला पानी था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मुझे 1 से 2 मिनट तक और अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए सारा पानी इसमें से कम हो गया है और अच्छे से आटा पक करके भी तैयार हो गया। अब आप जितना बढ़िया आटे को भून करके तैयार करेंगे उतना ही बढ़िया आपका आटे का हलवा बन करके तैयार होगा। तो देखिए कढ़ाई से बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा और बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। अब मैंने यहाँ आटे के हलवे को चीनी से बनाया है। तो आप चाहें तो गुड़ से भी बना सकते हो, तो आप गुड़ को बारीक बारीक चॉप करके भी इसमें डाल सकते हो, उससे भी बहुत ही टेस्टी हलवा बन करके तैयार होगा। अब यहाँ पे स्वाद अनुसार मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। अगर आपके यहाँ इलायची पाउडर यानी पसंद नहीं करते हो तो आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं इलायची पाउडर को डालने के बाद। अब जो बचा हुआ घी था उसका उपयोग कहाँ करना है मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए अच्छे से मिक्स, जैसे ही इलायची पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद जो बचा हुआ घी था वो भी इसमें मैं थोड़ा ऐड कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पूरे 1/2 कप घी का उपयोग नहीं किया है, तो मैंने यहाँ लगभग 2 चम्मच के आसपास घी बच गया है। बहुत ज़्यादा घी का उपयोग नहीं किया मैंने। इस तरह से आटे का हलवा बना करके देखिए, और थोड़ा घी आप लास्ट में डाल करके इस तरह से मिक्स कर लीजिए और बाद में आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बना है हमारा आटे का हलवा। और अगर आपको गुरुद्वारे के जैसा कड़ा प्रसाद बनाना है उस तरह से, तो आप उसमें और घी ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ ज़्यादा घी का उपयोग नहीं किया है। और ये लीजिए हमारा आटे का हलवा बन करके तैयार हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बन करके तैयार हुआ। अब इसे हम गर्मा गर्मा सर्व करेंगे।
और ये लीजिए आटे का हलवा बन करके हो गया था यार। मैंने जब इस तरह से बनाया आटे का हलवा तो बहुत ही अच्छा लगा, मेरी बेटी को बहुत पसंद आया। और ये तो हम सभी को बहुत पसंद होता है और हमें खाना भी चाहिए, बहुत हेल्दी भी होता है आटे का हलवा। इस तरह से आप बना सकते हो तो झटपट बना लीजिए, फटाफट से बन भी जाता है। तो मुझे आटे को हलवे को बनाने के लिए लगभग 12 से 13 मिनट लगे हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।